तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अपनी आठवीं वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम अपना पार्ट एट बताएंगे। फ्रेंड्स, पार्ट एट में हम इंटरजेक्शन के बारे में बताएंगे। इंटरजेक्शन फ्रेंड्स हमने पार्ट ऑफ स्पीच का एक टाइप है जिसको हमने लिया है, उसे आपको अच्छे से समझाने के लिए। इसके पहले फ्रेंड्स हमने सात वीडियो और बना दी है, आप उसे देख लीजिएगा और आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना उसे समझे आपको शायद अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में आपको हम अपना पार्ट ऑफ स्पीच का एट टाइप बताएंगे, जो कि इंटरजेक्शन है, जिसे हम हिंदी में विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक अव्यय। अब हम इंटरजेक्शन के डिफिनेशन देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट सच एज जॉय सोरो सरप्राइज एसेट्रा। तो फ्रेंड्स पहले आप ये जान लीजिए इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड है, एक शब्द है, विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। मतलब कि इंटरजेक्शन जो है वो एक वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है, जो कि बताता है कुछ सडन अचानक से, मतलब सडनली, सडन मतलब होता है फ्रेंड अचानक। ये आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए ताकि ये भी आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत आपकी हेल्प कर देगा। सम सडन मतलब अचानक से उठने वाली फीलिंग, जब हम अचानक से कोई चीज फील करते हैं वो भी दिल से, सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, दिल से निकलने वाली वो फीलिंग जो कि अचानक से उठे, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, सच एज जॉय सोरो सरप्राइज एसेट्रा, ये सारे होते हैं इंटरजेक्शन के वर्ड्स। अब फ्रेंड्स हम इसको हिंदी में इसके सेंटेंस एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हमने इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझा दी है, अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम इसकी डिफिनेशन हिंदी में देखते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हृदय में उठने वाले भावों का प्रकट करने के लिए किया जाता है वो विस्मयबोधक अव्यय होते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। वे शब्द जिनका प्रयोग हृदय में उठने वाले भावों, मतलब कि वो शब्द जो कि दिल से, हृदय, हृदय मतलब होता है फ्रेंड्स दिल, हार्ट, जो फीलिंग, जो शब्द हमारे दिल से निकलते हैं और हमारी भाव, भाव मतलब होता है फीलिंग, हमारी फीलिंग को प्रकट करते हैं, उसे हम अव्यय विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मतलब इंटरजेक्शन का मेन मतलब होता है, मेन मोटिव ये होता है कि हमारे दिल की जो बात है वो हमारे शब्द से निकले, मतलब कि हमारे दिल की फीलिंग जो हमारे मुंह से शब्द की मदद से निकलते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं फ्रेंड्स, इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, हुर्रे, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहाँ पे जो हुर्रे है फ्रेंड्स वो इंटरजेक्शन है। यहाँ पे देखिए हुर्रे का कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है माई, माई मतलब मेरा होता है, ओल्ड मतलब वृद्ध होता है, बूढ़ी या पुराना। यहाँ पे ओल्ड का मतलब वृद्ध नहीं है, यहाँ पे ओल्ड का मतलब है पुराना, मतलब बूढ़ा से कोई रिलेशन नहीं है इसमें, यहाँ पे ओल्ड का मतलब है पुराना। माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो यहाँ पे सबकी मतलब है, सबका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हुर्रे का आप मतलब बता सकते हैं? हुर्रे कोई मतलब ही नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऐसा शब्द है जो दिल से निकलता है और इसका मतलब जो सडनली हमारे मुंह से निकल जाता है वो होता है हुर्रे। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। सेकेंड देखते हैं, लास्ट, शी इज डेड, शी इज डेड। इसका शी इज डेड एक सेंटेंस है जिसका मतलब है, बट अल्लाह से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ये एक फीलिंग है जो हमारे दिल के बारे में बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स फिर देखते हैं थर्ड, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यू हैव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओह जो है वो भी इंटरजेक्शन है। फोर्थ देखते हैं, आह गांधी इज वन नो मोर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ये नो है, नो मोर मतलब कि नो मोर मतलब नहीं रहे, मतलब कि यहाँ पे भी ये जो आ है वो इंटरजेक्शन है। फ्रेंड्स अब फिफ्थ देखते हैं, गुड बाय फेयरवेल। फ्रेंड्स ये भी जो है गुड बाय जो है यहाँ पे ये भी इंटरजेक्शन है।
फ्रेंड्स देखिए, आपने पूरा सेंटेंस देखा, यहाँ पे एक चीज जो है वो कॉमन है, आप जरा नोटिस करिए फ्रेंड्स, बताइए वो कॉमन बात क्या है। वो कॉमन बात ये है फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है देखिए, ये सब में है फ्रेंड्स। ये जो है जब हमारे इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं उसके बाद इसे हम यूज करते हैं, ये होता है इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ यूज करने वाला सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नोट। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने जो अभी आपको एग्जांपल दिखाया था पीछे, वो एग्जांपल आपने देखा, अब उसके मदद से आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने आपके लिए नोट्स लिखा है जो कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने ये नोट लिखा है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने इसके पहले जो एग्जाम्पल था वो भी देख लेते हैं बगल में। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो वर्ड्स थे, हमें जैसे कि बताया कि वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी जो बात है, मतलब जो हमारे दिल में जो फीलिंग्स होती है उसको अच्छे से बयां कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रसन्नता, वो वर्ड जो हम ये बताएं कि हम प्रसन्न हो गए कोई वर्ड्स बोल रहे हैं, वो वर्ड्स होते हैं हुर्रे, हा हा। फ्रेंड देखिए आपने एग्जाम्पल में भी देखा था, यहाँ देखिए फ्रेंड्स हुर्रे, हुर्रे यहाँ पे यूज हुआ था जो कि हमारी प्रसन्नता को बताता है। हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मतलब कि मेरा पुराना फ्रेंड अब मुझसे मिलेगा, वो आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुर्रे जो है वो खुशी को दर्शा रहा है। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, आश्चर्य। आश्चर्य का क्या है फ्रेंड्स, हा वॉट, मतलब जब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं अचानक से जब कोई चीज हमें पता चलती है, तो वो आश्चर्य, कोई जरूरी नहीं वो खुशी की बात हो या गम की बात हो, आश्चर्य हो जाने वाली कोई बात, क्योंकि हमने सोचा ना हो ऐसी बात हमें पता चल जाए, तो वो होता है आश्चर्य की बात, जैसे हाँ या व्हाट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, दुख। जब हम दुखी, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दुख को दर्शाते हैं, कुछ इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं जैसे ओह आह अलास, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब दुख के वर्ड हैं। ये सब बताते हैं कि आपके दिल की जो बात है वो, आप अभी दुखी हो, जो बात हमने सुना है, आपकी जो फीलिंग है वो सडनली बहुत ही दुख वाली है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ओह आ है, देखिए फ्रेंड्स हम एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं इसके दो तीन तो। देखिए फ्रेंड्स सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अलास शी इज डेड। अलास क्या मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अलास है वो दुख को बता रहा है, शी इज डेड। और देखिए सर, और थर्ड वाला देखिए, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यू हैव। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओ है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे ये ओ आश्चर्य को बता रहा है, मतलब कि आश्चर्य की बात है कि इतना सुंदर फ्लावर यू हैव। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आह आह गांधी इज नो मोर, तो ये भी सैडनेस को बता रहा है आह। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इधर फ्रेंड्स, अफसोस। अफसोस फ्रेंड्स अल्लाह का भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल हमने इसी लिखा है ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए, प्रसन्नता आश्चर्य दुखी और अफसोस। फ्रेंड्स अगर आपको ये एग्जांपल सही से नहीं समझ में आया हो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद प्रॉब्लम हो इस एग्जाम्पल में, तो इसलिए हम आपको ये एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर, मतलब अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको ये समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चार चीज़ें लिखी है, चार फीलिंग लिखी हैं जो अचानक से प्रकट होते हैं, जैसे कि प्रसन्नता आश्चर्य दुख और अफसोस। फ्रेंड्स आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए आप स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और सडनली आपको पता चलता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और आपका टेस्ट हो उसी दिन, और अचानक से पता चले कि टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया और छुट्टी हो गई स्कूल की, तो जो उस समय प्रसन्नता होती है, दिल की खुशी जो होती है, वहां पे ये प्रसन्नता होती है जो कि हुर्रे, उस टाइम जो आपका आपके मुंह से अचानक से जो वर्ड निकलता है वो हुर्रे टाइप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो प्रसन्नता होती है। सेकेंड फ्रेंड, अगर मान लीजिए उसी समय आपके पापा अचानक से कह दें कि बच्चों अगर आज आपकी छुट्टी है तो चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं, तो वो जो आश्चर्य की बात होगी कि पापा ने आज छुट्टी वाले दिन कैसे कह दिया, वो होता है आश्चर्य वाली फीलिंग, मतलब कि जब अचानक से आप फील हो कि अरे अचानक से ऐसा हो कैसे सकता है कि आज ही छुट्टी भी हो गई और आज ही पापा ने कह दिया कि चलो घूमने चलते हैं, तो ये होती है व्हाट, मतलब पापा ने ऐसा कह कैसे दिया, व्हाट मतलब कि खुशी, इतनी खुशी हो जाती है कि अरे पापा ने कह दिया जाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आती है दुख की बात। अब दुख की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए, पापा भी मान गए हैं और छुट्टी भी हो गई है, बट सडनली अगर पता चल जाए कि अब बस आप निकलने ही वाले थे, अब आप गेट के पास पहुंच ही गए थे, बस कार में बैठने ही वाले थे, और सडनली आपको पता चले कि पापा के पास फोन आ गया है
और उनके सर कह रहे हैं कि चलिए आज ऑफिस आ जाइए, ऑफिस आज खुल गया है। तो सोचिए फ्रेंड, जो दुख होगा, जो गम होगा, बाप रे बाप, मतलब कि फिर तो बस लगेगा कि ऑफिस के जो जज हैं, जो बॉस हैं, उनको जाके बस इनसे लड़ ही लें। तो जो ये दुख होता है, ओह आह, मतलब कहाँ से इनका फोन आ गया, तो ये होता है ओह, मतलब वो दुख वाली फीलिंग फ्रेंड्स। अब लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अफसोस। दुख के बाद अफसोस तो होता ही है फ्रेंड्स। अब देखिए अफसोस आपको क्या होगा कि काश थोड़ी देर अगर उनका फोन रह जाता और हम कार में बैठ के निकल गए होते तो शायद पापा वापस ऑफिस ना जाते, कि हम तो घर से निकल चुके होते। अब जब तैयार हो गए जाने के लिए, अब तो फिर जाएंगे, बट अफसोस इस बात का है कि काश हम निकल गए होते और फोन ना आया होता। तो वो जो अफसोस वाली फीलिंग होती है, वो होती है अल्लास। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है, आपको बहुत अच्छी इमेजिन करवाई है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप कंप्लीट कर लिए। आप इसे अच्छे से समझिएगा, सारी वीडियो अच्छे से देखिएगा। अब हम आपके लिए आगे नई वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे और ये भी सोचेंगे कि आप उसे अच्छे से लाइक, अनलाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा और इसे लाइक भी करिएगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इसे अनलाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आई तब तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इसे अच्छे से देखिएगा। फ्रेंड्स अब हम आपको एंड में ये बताएंगे कि आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ 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 बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स अब हम कोई आगे चल के पार्ट ऑफ स्पीच वाइज कोई नई वीडियो अगर बनाएंगे तो सब्सक्राइब की वजह से या बेल आइकन की वजह से आपको बहुत ही इजी वे में मिल जाएगी। अब हम आपसे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आई विश कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।